हाँ ये आपका स्वागत है मेरे इस चैनल में। आज आपके लिए बहुत ही खूबसूरत सा थालपोस डिज़ाइन लेके आई हूँ। तो देखिए उसके लिए शुरुआत करना है, हमें 4 प्लाई ऊन ले रहे हैं और 3.5 mm क्रोसिया है यानी 6 नंबर क्रोसिया। आप इसे 12 नंबर क्रोसिया से भी बना सकते हैं या तो 11 नंबर अगर आपके पास ऐसा क्रोसिया नहीं है। तो चलिए सबसे पहले इसके लिए हम 9 चेन बनाएंगे। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ और ये 9, यानी 9 चेन बनाना है। और सबसे पहले चेन में हम इसे जोड़ लेंगे। यहाँ से 3 चेन लेंगे, एक दो और ये 3। 3 चेन लेने के बाद देखिए यहाँ पर हमें पफ बनाना है। इस तरह से लेंगे, फिर 2 चेन लेंगे, एक और ये 2। सेम इसी जगह एक बार और पफ बनाएंगे। हम यहाँ धागा 3 टाइम निकालेंगे। सारे फंदों को एक साथ निकालना है हमें। यहाँ इसे बांध देंगे और फिर 2 चेन ले लेंगे, एक और ये 2। इसी तरह से करते हुए हमें 8 पफ बनाना है इसके अंदर, यानी 8 पफ बनाएंगे हम इसके अंदर, इस रिंग के अंदर। तो चलिए ये पूरा कर लेती हूँ फिर दिखाती हूँ। देखिए यहाँ हमने 8 पफ बना लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी टोटल 8 हैं। अब यहाँ 2 चेन ले लेंगे और यहाँ पे जोड़ लेंगे हम इसे। अब इसके बीच में जाएंगे हम, देखिए 2 चेन के बीच में जाना है हमें। यहाँ पे फिर से हम 3 चेन बनाएंगे, एक दो और ये 3। 3 चेन बनाने के बाद यहाँ भी हम पफ बनाएंगे। देखिए इस तरह से क्रोस पे धागा लेंगे। अब जितना गहरा पफ लेना चाहते हैं, 2 4 5, जितना बड़ा आपको ज़्यादा बनाना है उस हिसाब से ले सकती हैं। तो इस तरह से इसे बांधेंगे और यहाँ 2 चेन लेंगे, एक और ये 2। सेम इसी जगह फिर एक पफ बनाएंगे हम, एक दो 3। इस तरह से फिर 2 चेन का स्पेस लेंगे हम, एक और ये 2। फिर अगले डिजाइन पे आएंगे और यहाँ भी 2 पफ बनाना जैसे हमने यहाँ बनाया। तो इसी तरह से करती हुई राउंड पूरा कंप्लीट कर लेती हूँ मैं। तो देखिए यहाँ पे हमारे दूसरा राउंड भी कंप्लीट होने का है। 2 चेन ले लिया हमने, अब यहाँ पे हम जोड़ेंगे जहाँ पफ बना हुआ है हमारा, यहाँ पे हम जोड़ेंगे इसे। पहले चेन से निकाल लेंगे, अभी बीच में आएंगे हम यहाँ पे इस तरह से। यहाँ पे 3 चेन बनाएंगे हम, एक दो और ये 3। फिर यहाँ हम पफ बनाएंगे, देखिए एक दो और ये 3। 3 पफ बनाए, फंदों को निकालेंगे इस तरह से। सॉरी फंदों को निकाला नहीं है अभी। एक पफ बनाया हमने यहाँ पे, फिर क्रूस पे धागा लेंगे और एक पफ हम यहाँ पे बनाएंगे, एक दो 3। 3 पफ हमने यहाँ बनाया और 3 पफ हम यहाँ, अब सभी फंदों को एक साथ निकालेंगे। यहाँ पे इसे बांध लेंगे। एक चेन दो और ये 3। यहाँ 3 चेन लेना है हमें। 3 चेन लेने के बाद देखिए यहाँ पे पफ बनाएंगे हम, सॉरी सेम इसी जगह पे बनाएंगे जहाँ हमने पफ बनाया था, एक एक दो और ये 3। अभी छोड़ना नहीं है इसे, पकड़ के रखेंगे। फिर इस तरह से लेंगे, फिर यहाँ पे जाएंगे हम, यहाँ पे
एक दो ये तीन। देखिए अभी सारे फंदों को एक साथ निकालेंगे इस तरह से, यहाँ पे बांध देंगे इसे। फिर हम यहाँ तीन चेन लेंगे, एक दो और ये तीन, तीन चेन लेंगे। फिर इसी जगह में एक पफ बनाएंगे और जहाँ पर हमने ये पफ बनाया हुआ था, देखिए यहाँ पे एक दो और ये तीन, एक दो और ये तीन। देखिए इस तरह से सारे फंदों को एक साथ बांधेंगे और फिर से हम तीन चेन ले लेंगे, एक और दो और ये तीन। इसी तरह से करते हुए हम पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे और यहाँ आके इसे जोड़ लेंगे। तो देखिए हमने यहाँ बना लिया। अब इसी जगह पे फिर एक पफ और बनाएंगे हम, एक दो ये तीन, और एक पफ हमने यहाँ जहाँ हमने शुरुआत में बनाया हुआ था सेम यहाँ पे एक पफ यहाँ पे हम बनाएंगे। ऐसे पकड़ेंगे, एक दो और ये तीन, इस तरह से फंदे को निकाल देंगे हम, ऐसे बांध देंगे। और फिर हम तीन चेन लेंगे, एक दो और ये तीन, तीन चेन लिया हमने। अब यहाँ पर हम जोड़ देंगे इसे, देखिए ये जो इसका स्पेस है यहाँ पे इसे जोड़ना है हमें। अब देखिए यहाँ पे फिर से हम तीन चेन लेंगे, एक दो और ये तीन, यहाँ एक पफ बनाना हमें, एक दो और ये तीन, तीन बनाया हमने, यहाँ पफ बनाया, यहाँ पे इसे इस तरह से बांध देंगे और दो चेन लेंगे, एक और ये दो। सेम जगह पे एक पफ और बनाएंगे हम, यहाँ पे एक पफ और बनाना हमें, एक दो और ये तीन। इस तरह से सारे फंदों को एक साथ निकालेंगे और यहाँ पे बांध लेंगे इस तरह से। फिर हम जहाँ हमने यहाँ तीन चेन का स्पेस लिया हुआ था वहाँ तीन चेन ही लेंगे हम, एक दो और ये तीन। फिर रिपीट करेंगे हम, देखिए जहाँ हमारा ये डिज़ाइन बना हुआ वहीं पे हम दो पफ बनाएंगे, जैसे हमने यहाँ बनाया सेम यहाँ भी हम इसी तरह से बनाएंगे। तो इसी तरह से करते हुए ये राउंड पूरा कंप्लीट करेंगे, कंप्लीट करने के बाद धागा में यहाँ कट कर देंगे, ये हमारा रेडी हो जाएगा, फिर हम अगला शुरू करेंगे। तो चलिए ये राउंड कंप्लीट करके फिर से मैं बता देती हूँ, यहाँ पर जोड़ने के बाद इस जगह पर जहाँ हमने पफ बनाया एक पफ बनाएंगे, फिर तीन दो चेन, फिर एक पफ, फिर बीच में स्पेस जहाँ हमारा है यहाँ जगह खाली, तीन चेन लेंगे, फिर एक पफ बनाएंगे, फिर दो चेन, फिर एक पफ, फिर तीन चेन, फिर ये पफ। चलिए इसी तरह से राउंड कंप्लीट कर लेती हूँ मैं। तो देखिए हमने ये राउंड कंप्लीट कर लिया है, वन टू थ्री फोर, फोर राउंड में हमने यह थ्री की चेन लिया, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा लूज होने लगा तो मैंने यहाँ पे दो दो चेन का ही स्पेस लिया है। जैसे मैंने यहाँ भी दो चेन लिया हुआ है, बीच में भी दो चेन, आप किस हिसाब से बुन रही हैं, ढीला या थोड़ा टाइट, उस हिसाब से आप अपना चेन लें, नहीं तो लूज हो जाएगी ये। और क्रूज पे भी निर्भर करता है और धागे पे भी कि आप कितना चेन ले रही है, टू प्लाई से बना रही है, थ्री प्लाई से या फोर प्लाई से, उस हिसाब से आप चेन ले लें। उसके बाद दो चेन लेके हम इस जगह पे डालेंगे यहाँ पे और इसे जॉइंट कर लेंगे इस तरह से, यहाँ से धागा हम कट कर देंगे, चेन बनाते हुए धागा कट कर लेंगे। तो देखिए अब हम यहाँ पर जोड़ेंगे इसे, ये राउंड कंप्लीट हो गया। अब ये जो है देखिए दो चेन का जो स्पेस हमने लिया हुआ था यहाँ पे, दो पफ के बीच में हम यहाँ पे धागा जोड़ेंगे इस तरह से। कोई भी कलर लें आप, जो भी कलर आपके पास बचा हुआ है, ये क्योंकि ये कलरफुल धागा में से बनता है, बहुत अच्छा लगता है। आप चाहे तो एक कलर से भी बना सकती हैं तो, लेकिन ये कलरफुल ज़्यादा अच्छा लगता है। फिर यहाँ गांठ लगा लेंगे हम,
अब यहाँ पे तीन चेन बनाएंगे हम, एक दो, सॉरी एक हमने यहाँ बुना होता है इसे भी हम काउंट कर लेंगे तीन। यहाँ पे देखिए पफ बनाएंगे हम इस तरह से, दो और ये तीन। यहाँ एक चेन लेंगे, फिर इसे लंबा खींचेंगे और यहाँ फिर पफ बनाएंगे हम इस तरह से लेंगे और यहाँ पे डालेंगे। फिर इसे यहाँ जोड़ेंगे। इसी तरह करते हुए हमें आठ पफ बनाना है। इसमें आठ पफ बनाएंगे हम, फिर इस जगह पे आएंगे जहाँ हमने चेन लिया है, फिर यहाँ पे दूसरा कलर जोड़ेंगे, कोई भी कलर ले सकती है। फिर यहाँ से हम थोड़ा सा, इससे थोड़ा सा जो हल्का कलर हो वो लेंगे हम। फिर यहाँ पे बनाएंगे पफ हम, मतलब इसकी लरी बनानी है पफ की। इसका लरी बनाएंगे हम आठ। आप चाहे तो इसे बड़ा भी बना सकती है, जैसे मैंने ये बनाया है ये स्पेस, ये वाला गोलाई आकार, आप इससे बड़ा भी बना सकती हैं। और ये जो पफ मैं आठ बनाऊंगी, आप उससे ज़्यादा भी बना सकते हैं। आठ लरी बनाने के बाद इस पफ का धागा कट कर देंगे। फिर अगला धागा जोड़ेंगे हम यहाँ पे, और यहाँ भी हम पफ बनाएंगे आठ, फिर यहाँ पफ बनाएंगे, फिर यहाँ पे पफ बनाएंगे। हर तरह से पफ बनाते हुए हम लरी इसकी तैयार कर लेंगे। उसके बाद इसे सिलने का क्या तरीका है मैं आपको बताती हूँ। तो चलिए लरी बना के, पूरा लरी बना के रेडी कर लेती हूँ, उसके बाद आपको दिखाती हूँ कि ये कैसे बनेगा ये। तो देखिए ये हमारा थालपोस ये पूरा रेडी हो गया। इसे हम जोड़ने के लिए बताते हैं आपको। तो तबीयत खराब होने के कारण मैं ऐसे नहीं बता पा रही थी, और तबीयत अभी भी मेरी ख़राब है, लेकिन थोड़ी सी भी ठीक हूँ, तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि इसे बना के दिखा दूँ आप सबको। तो इसे जोड़ना कैसे है तो वो मैं दिखा देती हूँ आपको। मैं यहाँ क्रोशे नंबर 9 ले रही हूँ जोड़ने के लिए। आप उसी जिस क्रोशे से मैं बना रही थी पहले, क्रोशिया से 12 नंबर, आप उसी से भी जोड़ सकते हैं। लेकिन जो मेरा ये पफ है बहुत छोटा है, तो आप ये पफ को थोड़ा सा लंबा बनाएं। मैंने लंबा नहीं बनाया था क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं चाहिए था, इसलिए मैंने पफ छोटा सा बनाया था। अब इस पफ को लगभग 1 इंच की लंबाई तक बनाएं, जैसे ये उंगली का ये भाग है, इतने लंबा तक पफ बनाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा ये, और आपका बड़ा भी बन जाएगा थालपोस। तो चलिए ये 4 प्लाई ऊन है, इसे हम जोड़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए हम यहाँ पे इसे इस तरह से धागा बांधेंगे, पहले गांठ लगा लेते हैं। गांठ लगाने के बाद देखिए यहाँ पे हम इसे इस तरह से जोड़ेंगे। यहाँ इसे जोड़ लिया हमने। अब यहाँ से 5 चेन लेंगे हम, 5 चेन लेना है, 2, 3, 4 और ये 5। 5 चेन लेने के बाद यहाँ पर हम इसे जोड़ देंगे। यहाँ पर बिना धागा लिए हुए हमें जोड़ना है इस पर। फिर 5 चेन लेंगे हम, एक दो तीन चार और ये 5। फिर यहाँ जोड़ेंगे, अब 6 चेन लेंगे, एक और दो, दो में हम 5-5 चेन लेके जोड़ेंगे, और 1, 2, 3, 4, 4 में हम 6-6 चेन लेके जोड़ेंगे, और 1 और 2 ये दोनों में हम 7-7 चेन लेके जोड़ेंगे। तो देखिए दिखा देती हूँ मैं आपको, 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6, 6 चेन लिया हमने, यहाँ पे इसे जोड़ेंगे, 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6, 6 चेन लिए। फिर अब यहाँ जोड़ेंगे इसे, फिर 6 चेन लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6, फिर यहाँ जोड़ेंगे, 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6, यहाँ पे जोड़ेंगे इसे,
अब यहाँ से हम सात चेन लेंगे, एक दो तीन चार पाँच छः और ये सात, यानी यहाँ से सेवन चेन लेना है। एक और दो में फाइव चेन, फाइव चेन, सिक्स चेन, सिक्स सिक्स सिक्स, अब यहाँ पे सेवन, फिर यहाँ भी सेवन, यहाँ जोड़ लिया, फिर सेवन चेन, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स और ये सेवन। अब इसके ऊपर में जोड़ेंगे हम इसे यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए फाइव चेन बनाएंगे, वन टू थ्री फोर और ये फाइव, फिर सेम इसी जगह डाल के इसे हम जोड़ लेंगे, फिर से फाइव चेन, वन टू थ्री फोर फाइव, फिर यहाँ पे डालेंगे, फिर फाइव चेन, वन टू थ्री फोर फाइव, फिर सेम इसी जगह डालेंगे और यहाँ इसे जोड़ लेंगे। अब देखिए मैं आपको बता देती हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे किया है इस साइड, सेम आपको इसी तरह इधर भी करते हुए आना है, लेकिन इस वाले में आपका अलग बुनाई होगा, तो वो मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए यहाँ फिर सेवन चेन करेंगे, यहाँ से सेवन चेन बनाएंगे, फिर यहाँ जोड़ेंगे, फिर सेवन चेन, फिर यहाँ जोड़ेंगे, फिर यहाँ सिक्स, जैसे हमने इधर किया है सेम आपको इधर भी इस तरह से करते हुए यहाँ आके जोड़ लेना है। तो चलिए ये पूरी लाइन कंप्लीट कर देती हूँ, सेम जैसे इधर मैंने बनाया है आपको उसी तरह से आना है। सेवन बनाएंगे, सेवन फिर सिक्स, सिक्स सिक्स सिक्स, फिर फाइव, फिर फाइव, फिर यहाँ के जोड़ लेंगे। तो चलिए कर लेती हूँ पहले, तो देखिए यहाँ पांच चेन ले लिया हमने और सेम इस जगह हम जोड़ लेंगे इसे, सिंगल क्रोशिया से इसे जोड़ना है हमें, इस तरह से हमने जोड़ा। अब ये हम यहाँ पे आएंगे, देखिए यहाँ पे इसे जोड़ेंगे, तो यहाँ पे सिंगल क्रोशिया से पहले हम इसे जोड़ लेंगे। अब यहाँ पे हम जोड़ लिया, एक दो चेन बनाएंगे हम, एक और ये दो, दो चेन बनने के बाद देखिए अब यहाँ पे जोड़ेंगे हम इसे, यहाँ पे दो चेन हमने यहाँ पे बनाया, अब यहाँ पे इस तरह से घूमते हुए इसे इस तरह से यहाँ जहाँ हमने पांच चेन बनाया था इसमें इसे हम जोड़ लेंगे इस तरह से। देखिए फिर दो चेन लेंगे हम, एक और ये दो, फिर इधर अब यहाँ पे जोड़ेंगे हम, देखिए यहाँ पे जोड़ना है, फिर दो चेन लेंगे, एक और ये दो। अब देखिए अब जी अगली वाली है, इस पे जोड़ेंगे हम यहाँ पे, पहले हमने यहाँ जोड़ा दो चेन लेके, फिर दो चेन लेके यहाँ जोड़ा, अब दो चेन लेंगे, अब यहाँ जोड़ेंगे इसे हम, फिर दो चेन लेके यहाँ जोड़ेंगे, एक और ये दो, अब यहाँ पे जोड़ेंगे इसे। अब यहाँ से तीन चेन लेंगे, दो में हमें दो दो चेन करके जोड़ना है और अब तीन चेन लेंगे हम, एक दो तीन, तीन चेन लिया, अब इसमें जोड़ेंगे, देखिए अब तीन चेन लेंगे, एक दो और ये तीन, फिर इधर घूम जाएंगे और यहाँ पे जोड़ेंगे, फिर तीन चेन लेंगे, एक दो एक दो और ये तीन, और यहाँ पे जोड़ेंगे इसे, पीछे की साइड से जोड़ेंगे इसे। देखिए मैं बता देती हूँ, एक और दो में हम दो दो चेन लेके जोड़ेंगे और एक दो तीन चार, चार में हम तीन तीन चेन लेके जोड़ेंगे और एक और दो, ये लास्ट के दो फंद जो है इसमें हम चार चार चेन लेके जोड़ेंगे। फिर से बता देती हूँ, एक और दो में हम दो दो चेन लेके जोड़ेंगे, फिर एक दो तीन चार, चार में हम तीन तीन चेन लेके जोड़ेंगे और लास्ट में दो चेन जो बचेंगे, दो हमारे ये पफ, इसमें हम चार चेन लेके जोड़ेंगे। देखिए तब इस तरह से क्रॉस बनती हुई आएगी और बहुत ही खूबसूरत लगेगा जब ये बन जाएगा आपका। तो फिर लेंगे एक दो और ये तीन, यहाँ पे जोड़ेंगे इसे,
फिर एक दो ये तीन, फिर यहाँ पे जोड़ेंगे एक दो और ये तीन, इधर पलट जाएंगे, यहाँ पे जोड़ेंगे इसे एक दो और ये तीन, यहाँ जोड़ेंगे एक दो और ये तीन, यहाँ जोड़ेंगे इसे अब यहाँ से चार चेन लेंगे, देखिए दो बज गए एक और दो, यहाँ से चार लेंगे एक दो तीन और ये चार, यहाँ पे जोड़ेंगे इसे हम यहाँ पे फिर चार चेन लेंगे एक दो तीन और ये चार, अब यहाँ पे जोड़ेंगे हम इसे फिर चार चेन लेंगे हम एक दो तीन और ये चार, अब देखिए यहाँ पे जोड़ेंगे हम इसे यहाँ पे इधर से जोड़ेंगे पीछे साइड से, फिर चार चेन लेंगे एक दो तीन और ये चार, अब हम यहाँ पे जोड़ेंगे इसे सबसे ऊपर में अब जैसे मैंने यहाँ पे बनाया है ये फूल सेम इसी तरह यहाँ बनाएंगे, देखिए इस तरह से बन के आएगी ये, तो चलिए ये फ्लावर यहाँ बना लेती हूँ उसके बाद दिखाती हूँ आपको। तो देखिए ये फ्लावर हमने यहाँ भी बना लिया सेम इसी तरह से, अब देखिए जैसे हमने यहाँ बनाया हुआ था इस साइड में हमने जिस तरह से बनाया हुआ था सेम इस तरह से हम इधर भी बनाएंगे, यहाँ सेवन चेन सेवन चेन, फिर सिक्स चेन सिक्स चेन सिक्स चेन सिक्स चेन, फाइव चेन फाइव चेन, फिर हम जब यहाँ जोड़ लेंगे फिर इधर से हम फिर इस तरह से करेंगे, यहाँ टू चेन लेंगे फिर यहाँ जोड़ेंगे फिर टू चेन लेंगे फिर इधर जोड़ेंगे, इसी तरह से एक साइड से हमें फुल बनाना है और एक साइड से हमें जोड़ते जाना है, जैसे हमने इसके इधर भी हमने किया और इधर भी किया सेम एक ही जैसा, लेकिन इस लड़ी में हमने दो चेन कहीं तीन चेन लेके कहीं चार चेन लेके इस साइड से जोड़ते गए, तो इस साइड भी हम इसी तरह से कर लेंगे जैसे हमने इधर किया हुआ। तो चलिए बता देती हूँ एक बार और आपको, हम यहाँ सात चेन लेंगे एक दो तीन चार पाँच छः और ये सात, यानी सेवन यहाँ पे लेंगे और इसे जोड़ देंगे, फिर सेवन चेन लेंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स और ये सेवन, सेवन चेन लेने के बाद यहाँ इसे जोड़ना है हमें, फिर सिक्स चेन लेंगे वन टू थ्री फोर फाइव फाइव और ये सिक्स, अब यहाँ पे जोड़ेंगे इसे, फिर सिक्स चेन लेंगे वन टू थ्री फोर फाइव और ये सिक्स, यहाँ पे जोड़ेंगे वन टू थ्री फोर
थ्री फोर फाइव सिक्स यहाँ पे जोड़ेंगे। वन टू थ्री फोर फाइव और ये सिक्स यहाँ पे जोड़ेंगे। यहाँ पे डालेंगे फाइव चेन, वन टू थ्री फोर और ये फाइव यहाँ पे जोड़ेंगे इसे। फिर फाइव चेन लेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव, अब इसी जगह जोड़ेंगे। देखिए यहाँ पे इस तरह से। अब यहाँ पे हमें आना है इससे सिंगल क्रोशिया से, यहाँ अगले वाले में जोड़ेंगे हम, और जिस तरह से हमने यहाँ बनाया है सेम हम इसी तरह से यहाँ भी बनाएंगे। देखिए एक और ये दो, दो चेन लिया और यहाँ पे जोड़ेंगे हम इसे यहाँ पे। लेकिन इस तरह से देखिए ये सीधा रखा हमने, यहाँ दो चेन बनाया, इसको इधर घुमाते हुए यहाँ जोड़ेंगे हम। फिर दो चेन लेंगे, एक और ये दो, इधर पलट जाएंगे और यहाँ पे जोड़ेंगे। इसी तरह करते हुए आपको पूरा लाइन कंप्लीट करना है। तो आप अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको। फिर दो चेन लेंगे, एक और दो और इधर पलट जाएंगे। इसी तरह से करते हुए आपको जोड़ना है। फिर से एक बार समझा देती हूँ आपको। जैसे ये लाइन में हम जोड़ते हुए जाएंगे, यहाँ दो चेन, यहाँ दो चेन, उसके बाद तीन चेन, तीन चेन, तीन चेन, तीन चेन, फिर यहाँ चार, फिर यहाँ चार, फिर जब उधर से हम ये फ्लावर यहाँ पे बना लेंगे इस तरह से, तो फिर यहाँ पे सेवन चेन बनाएंगे इधर से, सेवन चेन, फिर सेवन, फिर सिक्स, फिर सिक्स, फिर सिक्स, फिर सिक्स, फिर फाइव, फिर फाइव, इस तरह से फिर हम यहाँ जोड़ेंगे। फिर यहाँ से दो चेन लेंगे, फिर यहाँ जोड़ेंगे, फिर दो चेन, फिर यहाँ जोड़ेंगे। इसी तरह से करते हुए ये पूरे आपको बहुत ही खूबसूरत सा थालपोश बन के रेडी हो जाएगा। तो चलिए पूरा जोड़ के रेडी करके मैं आपको दिखाती हूँ कि देखने के पूरा बनने के बाद ये कैसा लगेगा। तो देखिए ये बनने के बाद कुछ इस तरह से लगेगा, बहुत ही खूबसूरत सा प्यारा सा डिज़ाइन, दोनों साइड से एक ही जैसा दिखेगा। देखिए पीछे साइड से भी और आगे साइड से भी। तो आधा बना के रखा हुआ है मैंने, ये थोड़ा बनने में थोड़ा टाइम लग जाता है। तो आज के वीडियो कैसा लगा आपको हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं। फिर मैं कुछ नया वीडियो लेके आती हूँ आपके सामने। थैंक यू।